हाय बच्चों, कैसे हो आप? ये बहुपद का जो आपका चैप्टर चल रहा है, क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 बहुपद, इसका एक्सरसाइज नंबर 2.5 का आज हम क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करेंगे। हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सर्वसमिकाओं का कैसे, कहाँ पे, कौन सी सर्वसमिका यूज करना है उसका अभ्यास किया, और दूसरे में हमने उसको अंकगणितीय कैलकुलेशन में कैसे इस्तेमाल करना है वो सीखा। अब है ये तीसरा। तीसरे में हम सीखेंगे कि सर्वसमिकाओं के प्रयोग करके हमको गुणनखंड हम कैसे निकालेंगे। जब हमको एक बहुपद दिया है उसके गुणनखंड निकालने हैं तो हम कैसे करेंगे, तो वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तो सब्सक्राइब करें। इसको सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी दबाएं, ताकि जैसे मैं कोई भी वीडियो डालूं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। अब इसमें है क्वेश्चन नंबर 3, उपयुक्त सर्वसमिका को प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। आपको गुणनखंड निकालने हैं। गुणनखंड निकालना है तो पहला है 9x² + 6xy और +y। तो अब इसको गुणनखंड निकालेंगे, यहाँ पर निकालते हैं इसको। अब आपको ध्यान से देखना है। देखो मैं इतने आराम से ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूँ और लिख के आपको नहीं बता, आप खुद लिखिए, एक्सरसाइज खुद कीजिए, और जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ऐसे कीजिए, ध्यान दीजिए। आपको एक अच्छा लिसनर बनना है, अच्छा अगर कोई बोल रहा है तो उसको सुनना है और समझना है। सुनने के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, आपको समझ भी आना चाहिए। तो अब अगर सवाल क्या दिया है, मैंने जो पहला बताया स्टेप, पहले हमको समझना है कि सवाल क्या है। सवाल है 9x² 9x² + 6xy + y² ये तो सवाल है। अब हमने इसका क्या निकालना है, गुणनखंड निकालने हैं। अब गुणनखंड मतलब अब हमने इसको उसमें रखना है, गुणांक गुणा करेगा, एक संख्या बनानी है दूसरी संख्या बनानी है, वो संख्या आपस में एक दूसरे को गुणा करें, जो ये प्लस माइनस है इसको हमने गुणा में बदलना है, किसको गुणा करके ये आया है ये निकालना है। पहली चीज तो इसमें हमने देखना है क्या, ये क्या है। अब जो हमको समझना है, पहला ये क्या है, 9 जो 9 है ये किसका वर्ग है, 3 का वर्ग। इसको लिखते हैं 3 का वर्ग और 9x का वर्ग, तो ये हो गया 3x का वर्ग। अब ये 6xy है, तो जब वो हम जानते हैं, जो हमने अब हमारा दिमाग कहाँ पर फोकस रहेगा पूरा, जो हमारे पास चार सर्वसंख्या हमने सीखी हैं उस पर हम फोकस करके इसको करेंगे। तो इसमें हमारा क्या था, पहली राशि का वर्ग प्लस 2 गुणा दूसरी पहली राशि गुणा दूसरी राशि, जो हमारा फॉर्मूला है, तो हम इसको उस फॉर्म में लिखेंगे, 2 गुणा क्या लिखेंगे, 3xy, 2 गुणा 3xy प्लस y². अब हम इसको, हमारे पास ये क्या हो गया, पहली राशि का वर्ग, पहली राशि हो गई 3x का वर्ग प्लस 2 गुणा 3x गुणा y। y दूसरी राशि है क्योंकि y दूसरी राशि हमने y का वर्ग कर दिया। तो ये हमारा जो सर्वसमिका हमने पहली वाली सीखी वो उस वाले फॉर्म में हमको दिखाई दे रही है। तो उसमें क्या है, हमारा x + y² = क्या है, x² + y² + 2xy, या फिर यहाँ पर देख लो दे रखा है, यहाँ पर इसमें इसने सीधे वो डाल दिया, ये जो फॉर्मूला है आपको इसमें जो सर्वसमिका हमारी पहली वाली सर्वसमिका है वो हमने जब उसको आप देखोगे तो उसमें क्या होता है, हमारा दो राशियों का जोड़ का जब पूर्ण वर्ग होता है तो वो होता है पहली राशि का वर्ग प्लस 2 गुणा पहली राशि गुणा दूसरी राशि प्लस दूसरी राशि का वर्ग। तो ये उसी फॉर्म में दिखाई दे रहा है हमको, जैसे हम इसको अगर तोड़ रहे हैं तो ये है पहली राशि का वर्ग 2 गुणा पहली राशि ये है और दूसरी राशि ये है वाई है, तो 2 गुणा 3x है पहली राशि, y है दूसरी राशि, और प्लस दूसरी राशि का वर्ग, इस फॉर्म में ये आ गया।
अगर इस फॉर्म में ये हमें मिल रहा है, जैसे ये यहाँ पे बता रहा है, तो अगर इस फॉर्म में मिल रहा है तो पहली राशि क्या होगी हमारी? ये फॉर्मूला लिखा है इसने, जो सर्वसमिका है वो इसने यहाँ पे लिखा, मैं कह रहा था शायद नहीं दिया है, ये सर्वसमिका इसने यहाँ पे दे रखी है। तो ये कह रहा है कि जो हमको क्वेश्चन दिया है इस फॉर्म में दिया है, और जो हम वो आंसर है इस फॉर्म में हमको लिखना है। तो हमने क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट किया पहले अपने उसमें, तो हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, एक्स का जगह में 3x आ गया, 2xy की जगह में आ गया 3xy, और वाई की जगह में वाई आ गया। अब हम इसको क्या कर देंगे, एक्स की जगह में लिखेंगे 3x, वाई की जगह में वाई लिखेंगे, उसका होल स्क्वायर। तो ये हो गया ये, और ये मतलब क्या हो गया, 3x प्लस वाई का वाई गुणा 3x प्लस वाई, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अगर ये आपसे इतनी जल्दी नहीं होता, अगर आप इसको और कहना चाहें, जो आपने रैशनल नंबर पढ़ा उसमें भी आपने सीखा कि आप कैसे कॉमन निकालते हो, क्या करते हो, अगर आप उसको उस तरीके से भी अगर करना चाहो वो भी आप कर सकते हो। जैसे क्या है, अगर हम यहाँ से लेना चाहें तो ले लेते हैं, अगर हम उस फॉर्म में इसको लिखना चाहें, इसको क्या लिख सकते हैं हम, जैसे ये कर रखा है इसने यहाँ पर, इसको हम लिख सकते थे 3x x का क्या है, ये होल स्क्वायर है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, एक आप अपनी कॉपी में लिखो, मैं आपको बताता हूँ, आप लिखो 3x का होल स्क्वायर, इसको 2xy की जगह में इसको लिखो 2 गुणा 3xy की जगह में, आप इसको ये भी लिख सकते हो 3xy प्लस 3xy, दो बार हो गया ना, तभी तो 2 लिखा हमने। तो हम इसको ऐसे लिखो, आप 3xy, 3xy प्लस 3xy प्लस वाई का स्क्वायर। अब क्या करोगे आप, इसको ग्रुप करके जो आपने वो बना रखा है, जानते हो आप जिसको उस फॉर्मूले को कॉमन, इसमें से कॉमन ढूंढोगे, इसमें से आपने कॉमन क्या निकाला, 3x बाहर निकालोगे, तो ये 3x गुणा 3x हुआ, तभी तो 3x² हुआ, तो इसमें से 3x हम बाहर निकाल देंगे, 3x हमने बाहर निकाल दिया, तो अंदर क्या बचा, 3x बाहर निकल गया, तो एक 3x इसके अंदर यहाँ पर बच गया, ये 3x गुणा 3x हुआ ना स्क्वायर का मतलब, तो एक 3x बच गया, प्लस इसका 3x अगर निकल गया, अगर ये 3x बाहर निकला तो बचा क्या, y बच गया, तो प्लस y। मैं थोड़ा सा आपको उस तरीके से फॉर्मूला, अगर नहीं है आपके पास, आपको सर्वसमिका याद नहीं है, आपकी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। वैसे करना है क्या है, इसको सर्वसमिका को यूज करके ही करना है, ये मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ कि आपने जो रैशनल नंबर है वहां भी ये चीजों को पढ़ा है, फॉर्मूला कैसे निकलता है, पर करना ये वही है, सर्वसमिका लगा के ही करना है, ये वाला सर्वसमिका लगा के आपको समझाना है, पर मैं ये थोड़ा आपको ऐसे समझा रहा हूँ। अब इसमें क्या है, यहाँ भी वाई है और यहाँ भी वाई है, तो वाई बाहर निकालेंगे हम। जब हमको सर्वसमिका पता नहीं होती तब हम ऐसे कर सकते थे, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर हमको सर्वसमिका पता नहीं है, अब यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है कि आपको सर्वसमिका यूज करनी है, तो आपको उससे सर्वसमिका से ही करना है इसको। जब ऐसा लिखा नहीं है तब अब ऐसे भी कर सकते हो। अब इसमें क्या है, 3xy यहाँ भी आ गया और 3xy यहाँ भी आ गया, तो इस पूरे में से हम दोनों में से 3xy बाहर निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे, 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई हम बाहर निकाल देंगे। अगर हमने बाहर निकाला 3x प्लस वाई, तो अंदर क्या बच गया, यहाँ बचा 3x, इसका बचा क्या 3x, और इसका बचा y। ठीक है, तो ये आंसर हो गया, 3x प्लस y मल्टीप्लाई 3x प्लस y,
और यही आंसर आ रहा ना यहाँ पे, और ये और सेम हो गया। तो ये है हम कैसे करते हैं, जब अगर हमारे पास, अगर हमारे को सर्वश्रम का पता नहीं है तब ये वाला तरीका है, अगर सर्वश्रम का पता है तो आपको सीधे ये निकालना। तो ये सर्वश्रमिका से ही निकालना है, क्योंकि हम ये जो अभी पूरा जो एक्सरसाइज है ये सर्वश्रमिका बेस एक्सरसाइज है, अभ्यास है, तो आपको इसी अनुसार करना है ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाए, जो चार सर्वश्रमिकाएँ हैं वो आपके एकदम कंठस्थ हो जाए। ये मेन उद्देश्य है इस एक्सरसाइज का। तो इसमें ये करना है, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आप केवल सर्वश्रमिका से ही करो, ये चीज़ें यूज मत करना, क्योंकि ये एक्सरसाइज है। अगर हाँ पेपर में आता है और आपको कहा नहीं जाता कि सर्वश्रम का यूज करो, कुछ करो, अगर आपको टाइम बचाना है तो आप सर्वश्रम का यूज करो, अगर आपके पास टाइम बहुत है और सर्वश्रम का आपको याद नहीं, आपके समझ में नहीं आ रहा है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। आई समझ बात? इन पेपरों में अगर क्या होता है, टाइम कम, टाइम आप चाहे वो कम टाइम में मैं जल्दी जल्दी ज़्यादा काम करो, तो आप फट से सर्वश्रम का लगा दो। अगर आपको सर्वश्रम का याद नहीं है तो आप ये ऐसे भी कर सकते हो, इसलिए मैंने ये समझाया आपको। अब है हम अगला वो करते हैं जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो पार्ट नंबर 2 इसका, इसका पार्ट नंबर 3 पार्ट है इसमें, क्योंकि क्या होता है इसमें मिटाने में उसमें लिखने में बहुत टाइम कंज्यूम होता है। अगर आप और फिर आपको क्या करोगे, आप सीधे नकल कर दोगे। आपको क्या करना है, सीधे अपनी कॉपी में करना है, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे अपनी कॉपी में समझो और अपनी कॉपी में करो। उससे क्या होगा, आपको खुद करोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ज़्यादा आसान होगा। जहाँ पर नहीं आ रहा समझ में वहाँ पर आप देख लो कि मैंने क्या बोला, आप रिपीट कर लो इस वीडियो को, मैं कहाँ पर क्या बोल रहा हूँ उस चीज़ को आप समझो। ठीक है, अब ये है, अब हम इसके जाएंगे सेकेंड नंबर में। सेकेंड नंबर में क्या दिया इसने, इसमें हम अब वही करेंगे, आपको खुद करना, मैं बताऊंगा, आप ध्यान रखना। इसमें थोड़ा सा हमको पढ़ना है आराम से, क्या है, 4y² - 4y + 1 है। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से करना है हमें। हमने जो सर्वश्रमिका नंबर 2 है उसमें क्या था, उसमें था पहली राशि माइनस दूसरी राशि का। जब हम पूर्ण वर्ग निकाल रहे थे तो क्या आ रहा था, पहली राशि का वर्ग माइनस 2 गुणा पहली राशि गुणा दूसरी राशि धन दूसरी राशि का वर्ग। अब ये क्या है, अगर हम इसको ध्यान से देखें, ये 2x 2y का पूर्ण वर्ग है। पहली राशि अगर हम 2y मानते हैं तो ये 2y का वर्ग है, माइनस 2 गुणा 2y मतलब 2y पहली राशि हमने मान रखी है, प्लस दूसरी राशि अगर हम 1 मानते हैं तो 1 से इसको गुणा करेंगे तो ये 4y रहेगा, और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो ये क्या होगा, पहली राशि इसमें 1 है, दूसरी राशि इसमें हमको क्या लग रहा है, 2y है, और ये 2y - 1 का वर्ग लग रहा है। तो ये हमारे को, ये क्योंकि हमें जानते हैं हमारा क्या है, हम जानते हैं हमारी नॉलेज, हमारा ज्ञान है ये, हम जानते हैं स्किल है हमारा। तो अब हम इसको क्या करेंगे, हमको अब जो दिया है उसके हिसाब से अपने स्किल को हम लगा के हल करेंगे। तो हमने देखा दिया क्या है हमको, ये पहली राशि बना दी हमने, ये 2 गुणा पहली राशि गुणा दूसरी राशि के फॉर्म में लिख दिया, और ये हमने दूसरी राशि का वर्ग के फॉर्म में लिख दिया। अब हमने देखा सर्वश्रमिका ये वाली ऐसा होता है, जब इसमें पहली राशि का वर्ग 2 गुणा पहली राशि गुणा दूसरी राशि प्लस दूसरी राशि का वर्ग होता है, तो वो उसका रिजल्ट होता है पहली राशि माइनस दूसरी राशि का होल वर्ग। तो पहली राशि की जगह हमने 2y लिख दिया, -1 लिख दिया, उसका होल वर्ग लिख दिया, और फिर वो क्या होता है, जिसको दो बार गुणा, वर्ग का मतलब था उसी से वो वही दोबारा गुणा हो जाता है, तो 2x 2y - 1 गुणा 2y - 1 इसका आंसर हो गया। तो ये है दूसरा आपका सवाल, ये सीधे हमने किससे किया, सर्वश्रमिका से। और जब सर्वश्रमिका नहीं है तो जो मैंने आपको समझाया पहले वाले में वो भी आप कर सकते हो, अगर उसमें नहीं लिखा है कि सर्वश्रमिका विधि से करना है, सर्वश्रमिका के लागू करके करना है, तो आप एक लगा सकते हो, क्योंकि सर्वश्रमिका, तो इसको सर्वश्रमिका से ही करना है।
अगर ऐसा नहीं है पेपर में आता और आपको सर समय का याद नहीं है, समझ में नहीं आता, तो आप वैसे भी कर सकते हो, परंतु उसमें ज्यादा टाइम लगेगा। इसमें आप देख रहे हो फटाफट कितनी जल्दी हुआ। अब है इसमें क्वेश्चन, जो पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 है। अब इसमें थोड़ा सा देखो, ये है एक्स का वर्ग माइनस वाई का वर्ग बट्टे 100। अब इसमें कौन सी हमको लग रहा है वर्ग वाला फॉर्मूला कौन सा था? सर्वसम का नंबर 3, सर्वसम का नंबर 3 का। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे, ये एक्स का वर्ग हो गया, ये दूसरा वाई बट्टे 10 का पूर्ण वर्ग लग रहा है। तो ये ऐसे इस फॉर्म में आ गया, एक्स का वर्ग माइनस दूसरी राशि वाई बट्टे 10 का पूर्ण वर्ग। तो पहली राशि का वर्ग माइनस दूसरी राशि का वर्ग, तो ये हमारे पास सर्वसम का है, हम जानते हैं। ये सर्वसम का क्या है? ये वाली है, पहली राशि का वर्ग माइनस दूसरी राशि का वर्ग, जो बराबर क्या होता है, पहली राशि धन दूसरी राशि और गुणा पहली राशि माइनस दूसरी राशि। तो हमने कह दिया पहली राशि में क्या है हमारा, एक्स है, दूसरी राशि में वाई है, वाई बटे 10 है। तो पहली राशि धन दूसरी राशि, दूसरी राशि क्या हो गया, वाई बटे 10, पहली राशि माइनस दूसरी राशि, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये था आपका, हम कैसे गुणनखंड करते हैं। अगर हमको कोई सर्वसम्मिका दी है और हमारी उन्हें कोई बहुपद दिया है और हमने सर्वसम्मिका को जो हम जानते हैं उनको यूज करके उसका गुणनखंड निकालना है, तो हम कैसे निकालते हैं, कैसे उनको, तो ये हमको क्या होना चाहिए, हमारे तुरंत समझ में आना चाहिए। पूरी सर्वसम्मिका हमको याद होनी चाहिए कि ये किस फॉर्म में हम इसको बना के ये वाला सर्वसम्मिका लगा सकते हैं, किस फॉर्म में बना के हम ये वाला सर्वसम्मिका लगा सकते हैं, ये हमारे दिमाग में चलना चाहिए। ऐसे ही हम क्वेश्चन को देखते हैं, सवाल को पढ़ते हैं। तो ये था आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट था, जो आपके क्वेश्चन नंबर थर्ड का था। तो अब अगर आपने ये वीडियो सब्सक्राइब, ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन ये दबाए, ताकि जैसे ही वीडियो डालो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिले। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इसका फायदा मिल सके। और अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आई और कुछ आप लिखना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स बॉक्स में आके कमेंट्स जरूर लिखें।